टेनिसन की तीन पोएम्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, पोएम्स चीफली लिरिकल में, एक द क्रेकन, सेकंड ओड टू मेमोरी और थर्ड मरियाना। मरियाना एक कैरेक्टर होता है शेक्सपियर के मेजर फॉर मेजर में जिसे उन्होंने लिया है, और मरियाना एक बहुत छोटा सा कैरेक्टर होता है जिसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी नहीं मिलती है मेजर फॉर मेजर में, लेकिन इस पे ध्यान टेनिसन का जाता है और टेनिसन उस पे पोएम लिखते हैं। पोएम जब शुरू होती है तो जो फर्स्ट कोट लिया है वो मेजर फॉर मेजर से ही लिया है, जिसमें लिखा है मरियाना इन द मोटेड ग्रेंज। ग्रेंज मतलब फार्म हाउस, तो एक फार्म हाउस, अबैंडन्ड फार्म हाउस है जहाँ पे कोई रहता नहीं है, और उस फार्म हाउस के पास मरियाना है। मरियाना अपने लवर का वेट कर रही है लेकिन उसका लवर नहीं आता है। यही पूरी कहानी है इस पोएम की, कि मरियाना अपने लवर का वेट करती रहती है सुबह शाम रात, रात में जग के दोपहर में, लेकिन उसका लवर कभी भी नहीं आता है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी टेनिसन के पास, और उस पूरी इन्फॉर्मेशन को टेनिसन ने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया है पोएम में। कुछ लाइन्स हैं मरियाना की, जो लाइन हर स्टैंजा के बाद रिपीट होती है, वो लाइन्स हैं। शी ओनली सेड माई लाइफ इज़ ड्रियरी, ही कम्थ नॉट, शी सेड आई एम अ व्योरी व्योरी, आई वुड दैट आई वर डेड। सो शी सेज कि ही कम्थ नॉट, ही इज़ नॉट कमिंग, नहीं आ रहा है, और मैं अपने बिलवर्ड का वेट कर रही हूँ, अपने लवर का वेट कर रही हूँ, लेकिन वो नहीं आ रहा है, और काश मैं मर जाऊँ। तो वो सुबह से शाम वेट करती है। हम देखते हैं कि रात में मिडल ऑफ द नाइट वो क्रो की आवाज़ से जग जाती है, बैट वहाँ घूमते हैं, वहाँ पे चिड़िया घूमती है, लेकिन किसी, ये सब जानवर होते हैं, लेकिन द पर्सन शी इज़ वेटिंग फॉर वो नहीं आता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे इमेज है फ्लाई का जो कि आफ्टरनून में आते हैं, और माउस का, तो ये बहुत डेकेडेंट इमेज है कि उसकी जो डोमेस्टिक लाइफ है, उसकी जो लाइफ है वो डिके होती जा रही है। और आखिरकार मरियाना का लवर नहीं आता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मरियाना। थैंक यू फॉर लिसनिंग।